Hi students, welcome to online classes. My subject is SST for standard first class. Now today I am going to teach your syllabus. Let's start reading. आपको reading book करानी है. देखिए, हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था. अब आप अपनी next studying love and care keeps the families together. हम अपने family एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हम लोग love और care कैसे करते हैं, प्यार और देखभाल कैसे रखते हैं. Living a family makes us feel safe and happy. जब हम रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, makes us, हमें बनाती है feel safe and happy, खुश और सुरक्षित महसूस करती है. Members of a family look after each other. और members जो होते हैं family के members, वो हमें देखते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं. We should share the work at home. और वो अपनी हमारी help करते हैं और share करते हैं, एक दूसरे का बांटते हैं, काम बांटने में, work, कुछ भी वर्क है उसमें शेयर करने में, बांटने में. एंड होम, एट होम, घर पर. एंड हेल्प अवर फैमिली इन हाउस होल्ड, और घर के कामों में भी सहायता करते हैं. वी शुड लव एंड रेस्पेक्ट, और हमें प्यार और रेस्पेक्ट देते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, जितने भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं यानी सदस्य. डू यू हेल्प अवर पेरेंट्स एट होम, आप अपने पेरेंट्स से घर होम आप अपने तुम्हारे पेरेंट्स होम घर पर क्या हेल्प करते हैं तुम्हारी, तो आप वो यहाँ पे नोट करेंगे. और विजडम्स, फिर आप अभी आपने पूरा चैप्टर मैंने आपको रीड कराया, अब आप इसकी ये टिक द करेक्ट आंसर्स बताएंगे. फैमिली हैविंग पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स कॉल्ड ए, जिस फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादी बाबा, बच्चे और माता पिता होते हैं, इस कॉल्ड ए. वो कौन सी फैमिली होती है, न्यूक्लियर, स्मॉल, बिग या नन ऑफ दीज, कौन सी फैमिली होती है, बिग फैमिली यानी बड़ी फैमिली पे आप टिक करेंगे. फिर सेकेंड वाला, वी शुड, क्योंकि इसमें ही होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं चिल्ड्रन, और जिस फैमिली में पेरेंट्स और वन और टू चिल्ड्रन होते हैं, वो आपकी न्यूक्लियर स्मॉल फैमिली होती है. अब आपको इसमें सेकंड वाले में देखिए, वी शुड आवर फैमिली मेंबर्स, वी शुड, हमें आप हमें अपने फैमिली मेंबर्स में, हमारी फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या, लव, रेस्पेक्ट, हेल्प, तीनों चीज़ें चाहिए ना, लव भी चाहिए, रेस्पेक्ट और सम्मान, लव, प्यार, हेल्प, सहायता, तो ऑल ऑफ दीज, ये आपको सारी चीज़ चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे. यही हमें सब कुछ मिलता है. फैमिली मेम की हेल्प किसमें कर रहा है, इस मदर, इसमें देखो टैडी कर रहा है, ब्रीडिंग कर रहा है, और देखिए इसमें मोपिंग द फ्लोर, पोछा लगा रहा है, इसमें मम्मा की हेल्प कर रहा है, तो ये आपका इसमें आप टिक करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. फोर, टेल्स स्टोरी टू नीलू, नीलू स्टोरी किससे सुनता था, ए फादर, मदर, ग्रांड मदर या ग्रांड फादर, किससे सुनता था, ग्रांड फादर, अपने बाबा से. उसमें आप फिर आप ये आपको पूरा टिक करना है, फिर अगला हम आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे बाद में. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट.